नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज भारतवर्ष ने चांद मुट्ठी में कर लिया है। देश के 140 करोड़ लोग बहुत खुश हैं, लेकिन ड्रैगन का देश खुश नहीं है। चीन चंद्रमा पर आलू उगाने वाला था, चीन चंद्रमा पर कपास की खेती की योजना बना रहा था, चीन चंद्रमा पर स्पेस वॉर के लिए मिलिट्री बेस बनाने का ख्वाब देख रहा था, चीन चंद्रमा पर मौजूद बेशुमार हीलियम 3 के खजाने पर कब्जे की योजना पर काम कर रहा था। चीन ने ताबड़तोड़ मून मिशन लॉन्च करने में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था। चीन की तेजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे साउथ चाइना सी की तरह चंद्रमा पर भी चीन का विस्तारवादी एजेंडा कामयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चंद्रमा के सबसे मुश्किल और अबूझ दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर चंद्रयान 3 ने इतिहास ही नहीं रचा, चांद पर चीन के विस्तारवादी एजेंडे की भी हवा निकाल दी। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा, द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूएशन। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। लैंडिंग हो गई कामयाब, चंद्रयान 3 ने रचा इतिहास। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। चांद पर उतरा चंद्रयान, चीन की चाल नाकाम। हमारे यहाँ से लैंडर जी अपनी मम्मी की राखी लेकर चंदा मामा पर गए हैं बांधने। जयघोष लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पर बधाई दी जा रही है, मिठाइयाँ जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। देखिए, चंद्रयान ने चांद पर चीन का विस्तारवादी ख्वाब ध्वस्त कर दिया है। हिंदुस्तान को जश्न मनाने का वो मौका दे दिया है जिसकी उम्मीद चीन ने अपने लिए की थी। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। इसरो ने चीन के चांद पर कब्जे वाले मंसूबे पर पानी फेर दिया है। चंद्रयान 3 ने रेस ऑफ मून में चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब भारतवासियों के लिए चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा एक टूर के हैं। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। चंदा मामा बस एक टूर के हैं। मिशन मून की
की कामयाबी ने भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बना दिया है जिन्होंने चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यान उतारे हैं। लेकिन इन चार देशों में भारत इकलौता ऐसा देश है जो चांद के उस अबूझ, अनछुए और अनदेखे हिस्से तक पहुंचा है जहां चांद का बेशकीमती खजाना छुपा है। चांद के जिस खजाने पर कब्जा कर दें और चांद पर चीन का स्थायी बेस बनाने के लिए ड्रैगन ने दिन रात एक कर रखा था, वहां हिंदुस्तान ने झंडा गाड़ दिया है। नया भारत है जिसकी भुजाएं चांद से लेकर मंगल तक फैली हुई है। भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। वसुदेव कुटुंबकम की पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई। सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे जिंदगी में कभी नहीं हुई है। बीते 7 दशकों में चंद्रमा पर 111 मिशन हुए, इनमें से 66 सफल रहे और 41 फेल हो गए। चंद्रयान 2 समेत 8 को अधिकांश सफलता मिली। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 38 बार कोशिश हुई, लेकिन अब तक सफलता सिर्फ 3 देशों को मिली थी। अब तक सिर्फ अमेरिका, सोवियत रूस और चीन ही सॉफ्ट लैंडिंग कराने में कामयाब हुए थे, लेकिन अब हिंदुस्तान इस सबसे आगे जाकर चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच गया है। हिंदुस्तान की इस ऐतिहासिक कामयाबी ने चंद्रमा को सुपर पावर्स की रणभूमि बनने से बचा लिया है, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले अपना स्पेसक्राफ्ट उतारकर चीन, अमेरिका और रूस चांद के इस हिस्से पर अपना दावा करने की कोशिश में लगे थे। उत्तरी ध्रुव के पास और धरती से दिखने वाले हिस्से अब तक काफी शोध उन पर हो चुके हैं, लेकिन चांद का असली खजाना इसके उस हिस्से में छिपा है जो अब से पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। चीन की नजर इसी खजाने पर है। चंद्रमा पर लाखों टन हीलियम-3 होने का अनुमान है। हीलियम-3 का इस्तेमाल फ्यूजन रिएक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी के लिए किया जा सकता है। खास बात यह है कि हीलियम-3 रेडियो एक्टिव नहीं होता, लिहाजा इसका खतरनाक वेस्ट मटेरियल का रिस्क भी नहीं होगा। चंद्रमा पर स्कैंडियम और येट्रियम सहित कई रेयर अर्थ मेटल्स भी हैं। इनका उपयोग स्मार्टफोन, कंप्यूटर और एडवांस टेक्नोलॉजीज में होता है। चंद्रमा पर मौजूद पानी, वहां की चट्टानों और मिट्टी का किस तरह उपयोग किया जा सकता है, इस पर कई देशों की नजर है। लेकिन वहां पानी है, इसका पक्का पता भारत के चंद्रयान 1 ने लगाया था। अब चंद्रयान-3 रिसर्च करेगा कि चंद्रमा पर और खासकर दक्षिणी ध्रुव पर और क्या क्या है। चंद्रयान-3 की रिसर्च से ये भी पता चलेगा कि चंद्रमा को दूसरे ग्रहों के लिए भेजे जाने वाले अभियानों का एक पड़ाव बनाया जा सकता है या नहीं। चंद्रमा पर अमेरिका, रूस और चीन के स्पेसक्राफ्ट भले ही पहले पहुंच गए हों, लेकिन चंद्रमा पर सबसे बड़ी और काम की रिसर्च इंडिया ने ही की है। चीन ने चांद से जुड़ा अपना सबसे पहला मिशन 2007 में लॉन्च किया था, लेकिन चीन ने चांद पर कब्जे की कोशिश में कई ऐसे कारनामे किए हैं जो अभी तक अमेरिका भी नहीं कर पाए हैं। चीन ने चांद से जुड़ा अपना सबसे पहला मिशन 2007 में लॉन्च किया था। चीन ने अब तक 5 चांग ई मिशन लॉन्च किए हैं। चीन ने 2007 में पहला ऑर्बिटर लॉन्च किया था। दूसरा ऑर्बिटर चीन ने 2010 में लॉन्च किया था। 1 दिसंबर 2013 को चीन के अंतरिक्ष यान चांग-ई-3 ने चांद की सतह पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग की। वहीं चांग-ई-4 के जरिए चीन 7 दिसंबर 2018 को दूसरी बार चांद पर उतरा। चांग-ई-4 के साथ चीन ने एक बॉक्स भेजा था जिसे लूनर माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें कपास और आलू समेत कई बीज थे। चीन के भेजे ये बीज चांद पर अंकुरित हुए। चांग-ई-5 मिशन को 2020 में लॉन्च किया गया था।
जो चांद के चट्टान का 1731 ग्राम अपने साथ वापस लाए। यानी चीन चांद पर आलू उगा चुका है, कपास उगा चुका है, चांद की मिट्टी धरती पर ला चुका है। चीन की मंशा चांद पर अपना स्थायी बेस बनाने की है। ऐसा करके चीन चंद्रमा पर एकाधिकार करना चाहता है। चीन चंद्रमा पर स्पेस वॉर के लिए कमांड सेंटर बनाने की भी योजना बना रहा है। चीन चाहता था कि चांद पर अब जो भी नई खोज है वो चीन के नाम हो, लेकिन हिंदुस्तान के मून मिशन चंद्रयान 3 ने चांद पर चीन के विस्तारवादी मंसूबे पर पानी फेर दिया। अब चांद पर अब तक भारत का सफर देखिए। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी खोजा। साल 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 लॉन्च किया और 23 अगस्त 2023 को ठीक शाम 6:05 पर विक्रम लैंडर ने चांद की जमीन को छू लिया। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। अभी तो पूरा इम्तिहान बाकी है। अभी तो हमने नापी है 2 गज मुट्ठी भर जमीन, पूरा आसमान अभी बाकी है। कैसे नहीं किया जा सकता, रोम रोम पुलकित है, इतना है कि खुशी का ठिकाना नहीं है और शब्दों में बयान नहीं कर सकते, शब्द ही नहीं बने। हमारा इंडिया सब कंट्रियों से नंबर 1 पर चल रहा है अभी और चलते रहेंगे, ये हमारी दुआ है। चीन ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए चंगाई 6 लॉन्च करने की तैयारी की है, लेकिन चीन असफलता से डरता है। चंद्रमा पर ऊबड़ खाबड़ इलाका लैंडिंग को मुश्किल बनाता है, इसलिए चीन चंगाई 6 को लॉन्च करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चीन का सपना पूरा होता उससे पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर खोज करने का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के नाम दर्ज हो गया। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा, द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूएशन। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।